हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको तीन फ्रेजेस सिखाऊंगा जो आप अपने आम जीवन में बोल सकते हो। ये बहुत ही काम के फ्रेजेस हैं जो हम रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ कर सकते हैं और धीरे धीरे इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो बोल बोल कर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है आज का आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मीनिंग होता है हिंदी में ख़राब। यदि कोई भी गाड़ी, साइकिल, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, पंखा, कूलर कुछ भी अगर ख़राब है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए? आउट ऑफ ऑर्डर। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यदि कहना है कि मेरी साइकिल ख़राब है तो हम कहेंगे माई बाइसिकल इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। यदि कहना है कि मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब है तो कहेंगे माई मोबाइल फ़ोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। इसी तरह यदि आपको कहना है पंखा ख़राब है, अब किसका पंखा ये तो नहीं कह रहे मेरा तुम्हारा, तो दा लगा दो, द फैन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। यानी जो भी वस्तु ख़राब है उसके पहले या तो आप ये बताओ कि वो किसका है, माय, योर, हिज़, हर लगा के, या फिर उसमें दा लगाओ। उसको अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है? ये नियम है इंग्लिश का, उसको अकेले नहीं छोड़ना है, ठीक है? जैसे अगर आपको कहना है फ्रिज ख़राब है, अब किसका फ्रिज है ये तो हम नहीं बता रहे, तो बोलेंगे द फ्रिज इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। ओके, चलिए अब हम दूसरा फ्रेज देखते हैं जो इसी से संबंधित है। देखिए, आउट ऑफ ऑर्डर का अर्थ होता है ख़राब। इसका अर्थ ख़राब होना नहीं होता, ये कोई क्रिया नहीं है। यदि आपको कहना है कि मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है तो उसमें आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, एक विशेषता की तरह यूज़ होगा, कोई काम, कोई कार्य नहीं बताएगा। तो उसके लिए फिर क्या करें? उसके लिए एक अलग फ्रेज़ होता है इंग्लिश में, ब्रेक डाउन। वैसे ब्रेक का मतलब होता है टूटना और डाउन का मतलब होता है नीचे, तो इसका अर्थ तो क्या होना चाहिए भाई, नीचे टूट जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब में यही तो खूबी होती है कि दो शब्द आ जाते हैं और एक अलग ही अर्थ निकलता है। तो ब्रेक डाउन का अर्थ है ख़राब हो जाना। एग्जांपल देखते हैं। जैसे यदि आपको कहना है मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है तो हम कहेंगे माई मोबाइल फ़ोन हैज़ ब्रोकन डाउन। भाई ख़राब हो गया है, ये परफेक्ट टेंस है, तो हैव हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। इसी तरह मान लो बोलना है कि मेरी बाइक अक्सर ख़राब हो जाती है, तो अक्सर को क्या बोलते हैं? ऑफ़न, ओ एफ टी ई एन, इसमें टी साइलेंट है। ओके, माय बाइक ऑफ़न ब्रेक्स डाउन। इसी तरह यदि आपको बोलना है कि हमारी कार रास्ते में ख़राब हो गई थी तो हम कह सकते हैं आर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, या फिर हम कह सकते हैं आर कार हैड ब्रोकन डाउन ऑन द वे। दोनों में से दोनों सही हैं भाई, ठीक है? चलिए अगला फ्रेज देखते हैं, इन वर्किंग ऑर्डर या फिर इन वर्किंग कंडीशन। इन दोनों का अर्थ होता है चालू हालत में। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी मशीन बहुत पुरानी है लेकिन वो काम चलाऊ है, काम चल जाता है, चालू हालत में है, तो हम क्या लगाएंगे? इन वर्किंग ऑर्डर या फिर इन वर्किंग कंडीशन। एग्जांपल देखते हैं। ओके, माय कार इज़ वेरी ओल्ड बट इट इज़ इन वर्किंग ऑर्डर। मेरी कार बहुत पुरानी है लेकिन यह चालू हालत में है। इसी को देख देख के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट अस फिनिश, सी यू सून।